गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स तो हमने चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है तो आज हम करेंगे ब्रीफ के क्वेश्चन आंसर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए नेम फाइव लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर के पांच लेयर के नाम बताइए लो फाइव लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर आर ट्रोपोस्फेयर स्टेटोस्फेयर मिजोस्फेयर थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर फाइव लेटर ऑफ द एटमोसफेयर आर ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर मीजोस्फेयर थर्मोस्फेयर एग्जोस्फेयर सेकेंड क्वेश्चन विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर मेक वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल कौन से लेयर में एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल होता, होता, होता है तो इसका आंसर है द आइनोसफेड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर मेक वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल जो आइनोस्फेयर के लेयर में क्या होता है वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है तो इसका आंसर है द आइनोसफेड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर मेक्स वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल थर्ड क्वेश्चन देखिए व्हाट डू यू मीन बाय लेब स्टेट वट डू यू मीन बाई लेट इसका आंसर देखिए द रिडक्शन इन टेम्प्रेचर विच इंक्रीज इन हाइट इज कॉल्ड लेपस्ट रेट मैंने बताया था आप लोगों को रे लेप्स रेड जो है जो रिडक्शन इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन हाइट जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे जितना हम हाइट पे जाएंगे वहां पे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है उसे हम लेप्स रेड कहते हैं द रिडक्शन इन टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन हाइट इज कॉल्ड लेप्स रेड इसे कहते हैं The reduction in temperature with increase in height is called lapse rate. Fourth question dekhiye in which layer of the atmosphere is ozone found? How ozone help to us कौन से layer में ozone जो है ozone होता है और ozone जो है वो कैसे हमारे मदद करते हैं? इस कांसेप्ट देखिए दैर कंटेन ओजोन स्टेटोसफेयर में क्या होते हैं स्टेटोसफेयर के लेयर में ओजोन होते हैं विच एब्जॉर्ब दामफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। स्ट्रेटोसफेर के लेयर में ओजोन होते हैं जो एबजॉर्ब करते हैं सन से जो हार्मफुल अल्ट्रा वायल रेडिएशन आते हैं अल्ट्रा वायल रेज आते हैं उससे हमें बचाते हैं To disconsere the stratosphere contain ozone which absorb the harmful ultraviolet radiation of the sun. The tropos the stratosphere contains ozone which absorb the harmful ultraviolet radiation of the sun. फिर लास्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज आइनोस्फेयर आइनोस्फेयर किसे कहते हैं तो इसका आंसर अच्छा है आइनोस्फेयर इज अ लोअर लेयर ऑफ द थर्मोस्फेयर इन दिस लेयर कंटेन इलेक्ट्रिकल चार्ज आयोन्स दैट रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स बैक टू तो द अर्थ एंड फैसिलिटेट वायरलेस कम्युनिकेशन आइनोसफेयर जो है वो लोअर लेयर होते हैं थर्मोसफेयर के और इस लेयर में एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं आयोन्स जो क्या करते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं रेडियो वेब्स को बैक टू अर्थ सरफेस पे भेज देते हैं और दस फैसिलिटेट वायरलेस कम्युनिकेशन इससे क्या होता है अर्थ पे वायरलेस कम्युनिकेशन फैसिलिटेट होता है आइनोस्फेर इज दोअर लेयर ऑफ दर्मोस्फेयर इन दिस लेर कंटेन एलेक्ट्रिकल चार्ज आयोज दू दर्थ एंड दस फैसिलिटेट वायरलेस कम्युनिकेशन फर्स्ट क्वेश्चन आप फिर से देखिए द फाइव लेर ऑफ द थर्मोस्फेर आर ट्रोपोस्फेयर

ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर जो डिक्रीज होता है उसे हम लैप्स रेट कहते हैं दिस स्ट्रेटोस्फीयर कंटेन ओजोन व्हिच एब्जॉर्ब द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन स्ट्रेटोस्फीयर के लेयर में क्या होता है ओजोन होते हैं जो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाते हैं यूवी रेस को एब्जॉर्ब करते हैं उसे हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं सॉरी ओजोन कहते हैं आइनोस्फेयर इज अ लोअर लेयर ऑफ द थर्मोस्फेयर इन दिस लेयर कंटेन इलेक्ट्रिकल चार्ज आयोन दैट रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स बैक टू द अर्थ एंड दस फैसिलिटेट वायरलेस कम्युनिकेशन आज का टॉपिक हमारा यही तक था कल से हम इंशाल्लाह डिटेल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अल्लाह हाफिज़